Daimari. धन्यवाद सर, आपने मौका दिया है। जो राष्ट्रपति जी के भाषण के ऊपर आज यहाँ पर बहस चल रहा है, इसमें मेरा सिर्फ कहना यह है कि राष्ट्रपति भाषण के जोड़िए जो भी बातें जिक्र किया गया है, वो जिक्र किए गए बातें कितना वास्तविकता में कार्य क्षेत्र में हो पाएगा, इसके ऊपर ही हमको ध्यान रखना जरूरी है। मैं आपके जोड़िए ये बात यहां रखना चाहता हूं कि मैं लास्ट 7 इयर्स से इस सदन में हूं और बहुत सारे राष्ट्रपति जी के भाषण या कोई बाजेत बहुत सारे यहां पर सुन चुका हूं और इसके जो डिबेट है इसमें भी मैं भाग ले चुका हूं। मैं भारत के नॉर्थ ईस्ट सेक्टरों से हैं, उत्तर पूर्वी सेक्टरों से, और मैं एक अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी से है। हर समय हमारे राष्ट्रपति से के भाषण हो या साहे हमारे पार्लियामेंट में जो बजट दाखिल किया जाता है उसी में नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत ही सारी बातें किया जाता है, प्रोग्राम रखा जाता है, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करने का वादा किया जाता है। लेकिन कोई परिवर्तन हमारे देश में जितना यहां पर रिफ्लेक्ट किया जाता है उसी तरह हो नहीं पाया, तो इसके ऊपर बहुत ही ध्यान देना जरूरी हो गया। आज नॉर्थ ईस्ट भारत वर्ष के बाकी जगह से बहुत बैकवर्ड है, वहां हर तरफ रास्ते से लेके रहन सहन खाना पीना टाउन शहर शिक्षा दीक्षा सभी में वहां के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनको किस तरह से देश के बाकी जगह की साथ एक कदम में मिला के ले जा सकते हैं उसके लिए चिंता करना बहुत जरूरी हो गया। आज सिर्फ डेवलपमेंट सेक्टर में वो जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है ये अलग नहीं, जान पहचान को लेके भी बहुत समस्या आ गया कि भारत सरकार की बहुत सारे नेता मंत्री बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों के कला संस्कृति के बारे में पता नहीं है, वहां की जाति क्या खाता है क्या पहनता है देखने में कैसा है उनका स्वभाव चरित्र कैसा है उसको भी पता नहीं। शायद सभी को पता है कुछ दिन पहले कि इलेक्शन इश्तहार में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को माइग्रेंट्स बोल के मेंशन किया गया था, वो इसी का ही कारण है, इंटेंशनली इसको नहीं किया, बरंसो नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना अच्छा पता नहीं है इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोई कोई गलत से माइग्रेंट ऐसे समझ लेते हैं। तो इसको हम कैसे भारतवर्ष के दूसरी इलाका के लोगों के साथ कैसे जान पहचान करा दे सकता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, इसको चिंता करने का बहुत जरूरी हो गया है। तो इसके लिए स्पेशल अटेंशन रखना नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है। आज नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिस्ट टॉर्न एरिया है, वहां आज 40 साल से भी ज्यादा उग्रवादी जो गतिविधियां है वो चल रहा है और उन समस्या को लेके समाधान करने के लिए हमारी भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय की तरफ से वहां के उग्रवादी ग्रुपों के साथ समुदायों के साथ बात करते आ रहा है, लेकिन इस 40 साल में भी यहां की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के जो डेवलपमेंट के लिए जितना भी प्रोग्राम वगैरह लिया जाता है प्रोजेक्ट लिया जाता है आज उसको अच्छे तरह से इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहा है। तो इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए इसको ज्यादा ध्यान रखना है और इसके लिए कदम उठाना है। जब तक नॉर्थ ईस्ट का ये इंसर्जेंसी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा तब तक नॉर्थ ईस्ट को जितना भी हम लोग पॉलिसी क्यों ना ले इसको डेवलप करना बहुत मुश्किल है। और नॉर्थ ईस्ट में शिक्षा की अच्छा व्यवस्था नहीं है, वहां के इलाका डेवलप नहीं होने के कारण देश के बहुत सारी जगह में नॉर्थ ईस्ट के लोग आना पड़ता है, यहां आके पढ़ना पड़ता है। तो ताकि नॉर्थ ईस्ट वही रहकर पढ़ाई करने का मौका मिले, यूनिवर्सिटी बने, कोई कॉलेज बने, कोई अच्छे स्कूल बने, इसके लिए भी केंद्रीय सरकार की तरफ से कदम उठाना बहुत जरूरी है। आज वहां पर बेतार एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे काउंसिल स्टेट के अंदर में बोडलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, आपका कार्बियांगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, एनसी हिल्स माने काउंसिल, इसी तरह का बहुत सारा काउंसिल बनाया गया है, लेकिन
सेंट्रल के जितना भी यहां का स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, इसको किस तरह से वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, इसका मैकेनिज्म आज तक अच्छी तरह से निकाल नहीं पाया, जिसके कारण केंद्रीय सरकार जितना भी परियोजना क्यों ना ले, ये ग्रास रूट पे इसको इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहा है। आज जनधन योजना जो लिया है, लेकिन वहां इसको करने के लिए बैंक ही नहीं है गांव इलाका में, अगर बैंक ही नहीं होगा तो इसको लोग कैसे कर पाएगा, तो उस तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरी आ गया। मैं अनुरोध करता हूं कि आज यहां जो सरकार है हमारे आपके जोड़ी है, ये सरकार कम से कम नया ढंग नया चिंता लेके नोरिस को वहां के लोगों को किस तरह से आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, इसके लिए एक नया चिंता से सोचना होगा और एक अच्छा परिकल्पना लेके काम करना होगा और इसको जरूर करेंगे, मैं इसको आशा रखता हूं। और मैं ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है इसको मैं समर्थन करते हैं, अपना स्पीच समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।